समीत, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए कहाँ पर मौके देख रहे हैं आप ट्रेड के? देखिए पूजा, ब्रेक के पहले ही हमने HDFC लाइफ बाय और परसिस्टेंट शॉर्ट की सलाह दी थी। एडिंग टू दिस, भारती एयरटेल काफी अच्छा लग रहा है। स्टॉक ने एक अच्छे खासे नियरली 3 से 4 हफ्तों के एक कंसोलिडेशन के दौर से हमने जाते हुए देखा है, और आज सुबह से ये स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट हमें लो लेवल से दिखा है। ऑलरेडी इसमें ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है, तो यहाँ से हमें लगता है कि ये फॉलो थ्रू और एक्सटेंड होगी और 1190-1200 तक की मूव हमें आगे जाके यहाँ पे आते हुए दिख सकते। तो यहाँ पे ओवरऑल हम भारतीय एयरटेल में बायस पॉजिटिव रखेंगे 1200 के टारगेट के लिए, और एज ए ट्रेडर 1158 का यहाँ पे करंट लेवल पे एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए। राइट, भारतीय एयरटेल 3% ऊपर। थोड़ी देर पहले आदित्य और अंशुल भी हमारे साथ इसी स्टॉक्स पर चर्चा भी कर रहे थे, और यहाँ पर अभी समीत ने भी अपनी मोहर लगा दी है कि आप और तेजी के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। अंशुल जी, अब आपसे समझना चाहेंगे आप कहाँ पर मौके देख रहे हैं ट्रेड के लिए? देखिए पूजा जी, मेरे को मेटल स्टॉक्स बहुत तेज लग रहे हैं, और आपको याद होगा कि पिछले शो में भी मैंने मेटल स्टॉक्स रिकमेंड किए थे, लगभग सब 7-8% तेज हुए हैं। अब एक फ्रेश ब्रेकआउट की कगार पे खड़ा है स्टॉक VEDL, वेदांता। वेदांता में वीकली चार्ट पे देखें तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन है, जिसका ब्रेकआउट 284-286 के आसपास है। ऑन दी वीकली चार्ट बहुत बड़ा ब्रेकआउट बनेगा, तो मैं प्रीएम्प्टिव बाई दे रहा हूँ, यहाँ से 280 के आसपास बाई करना चाहिए। 284-286 इनिशियल टारगेट रहेगा, और अगर 286 के ऊपर ब्रेकआउट सस्टेन कर जाता है तो अगले 1 से 1.5 महीने में ये स्टॉक 305 रुपये से ऊपर तक के टारगेट दिखाएगा। तो इमीडिएट अगर 1 से 2 दिन का व्यू है तो 286 का टारगेट लेना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा व्यू है तो भी इसको 286 के ऊपर ऐड करना चाहिए 305 रुपये के टारगेट के साथ। ओके, 305 के लेवल्स आ सकते हैं वेदांता में, तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं स्टॉक में। अंशुल जी, समीर जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। समय